अभी पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा इस दुनिया में। राम राम राम। क्या हो गया? सही है, हमारी जीवन हमारी उम्र पे ये सब नहीं था बेटा। हुआ क्या? अब तो ऐसा मन करता है कि इस धरती पे से और मर जाए और सीधे ऊपर चले जाए परमात्मा के पास, क्योंकि इस धरती की चीज हम पर देख ही नहीं जा रही है। हाँ, चले जाना, लेकिन हुआ क्या? देखिए, एक बेचारे मजदूर वर्ग, देखो, एक बेचारे मजदूर वर्ग के आदमी ने अपनी पत्नी को शादी के बाद पढ़ाया, उसके बाद वो कोई अफसर बन गई और अफसर बन के अपने पति के लात मार के। और बस इतनी सी बात? ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे उसने अपनी पढ़ाई लिखाई मेहनत करके आज उस पोस्ट पर उस मुकाम पर पहुंच गई, तो पति को छोड़ना कौन सी बढ़िया बात है बेटा? अरे वो अपना स्टैंड देखेगी, जरूरी है क्या हमेशा वो क्या कहते हैं हर दिन एक जैसे तो होते नहीं है किसी के पास। गलती तेरी नहीं है, गलती इस संसार की है, क्योंकि संसार ही उस तरीके से चल रहा है। अरे कम से कम ये सोचना चाहिए, अरे जिस पति ने पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया कि उसके साथ अब उसे जब क्यों नहीं शर्म लगी, जब उसके साथ शादी हो रही थी, जब उसके साथ रह रही थी, उसके साथ खा रही थी, उसके जैसा उसी के काम से अपनी जीवन काट रही थी। अब देखिए बताइए कोई बढ़िया बात है? अरे तो खराब कौन सी बात है? अरे तो पढ़ाया लिखाया, अरे क्या हो गया जब अपनी वो क्या कहते हैं जब शादी से पहले माँ बाप करते हैं, अब पति ने कर दिया तो क्या हो गया? और कर क्या कर दिया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पति ने उसके साथ गलत किया। मैंने कब कहा ये बात? अभी कल को तू मालूम है उसको सपोर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि तू यहाँ खुद रहती है, क्योंकि तेरा आचरण भी वही हो गया है कि लोगों की बातें सुन सुन के। देख बेटा, अगर कल को तुझे तेरा पति पढ़ा दे और पति पढ़ा दे तो तू उस पति को छोड़ देगी? अरे जाहिर सी बात है, क्यों रहूंगी फिर उसके साथ? अरे पढ़ लिख के मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंची, फिर और तेरे बच्चे भी हो तो? बच्चे तो वही रखेगा हैं? सही बच्चे मैं काहे को रखूंगी? बच्चे अब सही है, अब नरक से बदतर जगह अगर कोई है तो वो ये दुनिया है। क्या? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? सही कह रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि ऐसा होता है। देख उस बेचारे कर्मचारी ने, मजदूर वर्ग के आदमी ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, पत्नी को पढ़ाने के बाद उससे दो बच्चे भी हैं उसके। औरत की कुछ लाज मोह ममता कुछ तो होती है, सारे सारा दारो उतार पति के कंधों पे। तुम लोग तो ये चाहते हो कि बस एक औरत घूंघट वाली बहू बन के रहे, नहीं समाज में ना बोले ना हंसे ना बेटा, पड़े। मैंने उसका हक छीनने की बात नहीं की है, ये तेरी गलत फहमी है। मैं उसका हक नहीं छीना, मेरा कहना केवल तात्पर्य ये है, इतनी सी कहने का मेरा मतलब है, जब उस पति ने पढ़ाया, ऐसे बेचारी ने मेहनत की दिन रात, कहां कहां से करके लाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे एक बड़ा अफसर बनने लायक बनाया, और फिर जब तुझे पैसे की रंगत दी तो तूने उस पति की लात मार दी। देखो ताऊ जी मेरी बात सुनो, अगर पति पत्नी में जब नहीं बन रही है तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए, तलाक ले लो। रही बच्चे की बात, दो बच्चे, एक तुम ले लो एक तुम ले लो, बस खत्म कहानी। और फिर दूसरी बात क्या है कि जब अब वो इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच गई है तो अब तुम जानते हो कि एक साइकिल वाले में और कार वाले में कितना फर्क होता है कि नहीं? दिख रहा है मुझे, है कि नहीं दिख रहा है? तेरी सोच को देखकर दिख रहा है कि वाकई में ये दुनिया अंधकार की ओर बढ़ने लगी है। अरे फिर वही फालतू वाली बात लेके बैठ गए तुम तो, जो भी है सही है। और हाँ, हर लड़की को मैं तो कहती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा वो तुम लोगों का अजीब लग रहा है, लेकिन हमें तो ठीक लग रहा है भाई, वो उसका लाइफ स्टाइल अच्छा है। अब बेटा बात लाइफ स्टाइल से नहीं है, अब उसे अपने बराबरी के आदमी से शादी करनी चाहिए। बात कुछ संसार के नियमों से चलने की भी होती है। ये जब सात जन्मों में एक पति के साथ बांध दिया और उस पति ने तुम्हारे लिए अपने जीवन की सारी चीजें छोड़ दी, अपना घर परिवार त्यागा, तुमने जैसे कही तुम्हारे लिए न्यारा हुआ क्या रहा हुआ, उसने चार बर्तन जोड़ के लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। अब जब उसके उसको सही से चलाने की जरूरत थी उस पति को, अब उसके साथ पैर से पैर मिलाने की जरूरत थी। आप क्या कहें, मेरी बात सुनो, अगर ये काम आदमी करता तो बेचारी औरत बेचारी है, अगर ये अगर उस औरत ने गलती क्या किया, आदमी करे तो बहुत अच्छी बात है, हैं? और औरत करे तो ऐसी है वैसी है। अब तुम आदमियों की सुनो, अरे पहली संभाली नहीं जाती, दूसरी पड़ी हुई है, दूसरी संभाली नहीं जाती, तीसरी पेंडिंग में पड़ गई है, हैं? ऐसे ऐसे अफेयर चलता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। औरत बेचारी घर में इंतजार देख रही है कि मेरा पति आएगा, मैं जब वो खाना खाएगा जब मैं खाऊंगी। अब और हाँ ताऊ जी, जो भी किया अच्छा किया भाई, आदमी करे तो इस जान में बहुत अच्छी बात है, अगर औरत ने कर दिया ये ऐसी है वैसी है। ना ना बेटा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि औरत ने किया या आदमी ने किया, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, बस मेरा कहना इतना सा है, जिसने तुम्हारा जीवन भर संग दिया, जिसने तुम्हारे साथ साथ फेरे लिए, जिसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा और जिसने जन्मों जन्मांतर के रिश्ते में तुम्हें बांधा,
कम से कम उस ईश्वर का तो आचरण रखो, कम से कम अपने धर्म पे, अपने संस्कारों पे तो चलो। ताऊ जी मुझे एक बात बताओ, तुम ये सिंदूर वाली जो बात कह रहे हो, जब ये सिंदूर कहाँ जाता है? जब एक औरत को वो घर में रहती है और तुम बाहर ऑफिस के बहाने, कमाई के बहाने कि मैं आज वहाँ जा रहा हूँ धोखा देते हो, जब इस सिंदूर की कोई लाज नहीं रखता? नहीं नहीं ना, मुझे ये चीज़ मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि मतलब औरत और आदमी को दोनों को एक गांठ में रहना चाहिए। अगर आदमी भी एक गांठ, आदमी गलत है, आदमी गलत है, मेरी बात सुन, अगर आदमी गलत है तो औरत को उसको प्यार से समझाना चाहिए कि तुम ये कार्य मत करो और मेरे साथ अपना जीवन व्यतीत करो, और अगर औरत गलत है तो आदमी को उसको समझाना चाहिए कि तेरा जीवन मेरे साथ लिखा है तो तुझे मेरे साथ ही अपना जीवन काटना चाहिए। ताऊ जी एक बात बताओ, तुम्हारी भी, तुम्हारे वो क्या कहते, तुम्हारी भी तो बहू बाहर पड़ रही है, कल को भगवान ना करे उसने ऐसा कदम उठा लिया तो क्या करोगे? ना, मैं ऐसा कदम उठाने की उसको नौबत ही नहीं आने दूंगा। पूछ कैसे? कैसे? आज ही अपने बेटे को शहर भेज रहा हूँ और उसको वापस बुलवा रहा हूँ कि अब वो पड़ेगी नहीं, चूल्हा चौका कर, यहीं भना, यहीं खा, यहीं बच्चे होंगे तेरे, और बच्चों को पढ़ाऊंगा जो कि कम से कम मुंह से प्यारी ब्याज तो रहेगी, कम से कम ब्याज मुझे खाने को तो देगी। कल को अगर इस, कल को उस लड़की ने कुछ बन, अगर वो भाई मान ले बन गई और बन के मेरे बेटे को छोड़ दिया तो मेरा तो जीवन नष्ट हो जाएगा, समाज में क्या नाक बचेगी? अरे उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा अगर उसे तुम यहाँ ले आओगे तो। अरे उसके भी तो। अच्छा बेटा एक बात और बता, उसका फ्यूचर तू कह रही है उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा या उसका फ्यूचर बनेगा? नहीं, मैंने मना की थी पढ़ने की, लेकिन संसार की सारी नियम को देख के। अरे ताऊ जी अखबार वाली बातों पर क्यों जा रहे हो? अखबार वाले तो जरूरी नहीं है गलत भी छाप देते हैं। बेटा ये गलत खबर नहीं है, क्योंकि जहाँ भी मैं सुन के आ रहा हूँ मेरे कानों में बस यही बातें घूम रही है और दिमाग में से निकलने का घर नहीं कर रही है अभी। लेकिन तुम इन बातों को अमल क्यों कर रहे हो ये तो बताओ मेरे को। अब बातों का अमल, तुम अपनी बहू का फ्यूचर क्यों खराब करने पे? बहू का फ्यूचर क्यों खराब कर रहा हूँ मैं? अभी मान ले कल को मेरी बहू अफसर बन गई और मेरा लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको संभाल सके, उसकी कार्यशैली में चल सके, ना तो वो उसके बराबर कार्य कोई कर सकता और ना वो करवाना चाहेगी। मेरे बेटे को अगर उसने बीच मझधार में छोड़ दिया या बीच रास्ते में छोड़ दिया तो ये समझ ले इस संसार से मेरी तो नाक कट जाएगी, मुझे तो गांव में कोई आंख उठाने लायक नहीं छोड़ेगा। अरे वो तुम्हें इतना दे देगी कि तुम पे जिंदगी भर नहीं खाया जाएगा। बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे अपने परिवार के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, बाकी तेरी सोच समझ के, तेरी सोच को मैंने समझा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि तेरी जो सोच है ना वो आज की जनरेशन जैसी है, मतलब आज के लोगों जैसी है। वैसे मेरे मानो तो उसे वही रहने दो, हाँ। उसका फ्यूचर वही है, यहाँ नहीं। अब तुम देख लो मैं भी अपने मन मौजी रहती हूँ, हाँ। मेरा मन आता मैं अपने पति के पास जाती हूँ, मेरा मन आता नहीं जाती, हाँ, जब वो आते हैं जब मैं जाती हूँ, वो चले जाते हैं मैं आ जाती हूँ, अपनी लाइफ है। बहुत अच्छा तो ताऊ जी ऐसे ही रहना चाहिए। अब तुम तो पता नहीं पुराने जमाने के हो, हमें पुराने जमाने का बता रही है, इसे क्या पता कि पति पत्नी का संग क्या होता है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, फिलहाल तो मुझे बिट्टू से कहना होगा कि बहू को फटाफट शहर से बुला लाए। बिट्टू, बेटा बिट्टू। अरे पिताजी आ गए थे। पिताजी राम राम। खुश रहे। तुझसे बहुत कैसे आना हुआ? तुझसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। जरूरी? क्या बात है बताओ। क्या बताऊँ, आज एक खबर ऐसी अखबार में पढ़ के आ रहा हूँ कि ये समझ ले मेरे मन की जो है ना एकदम सारी तीव्रता मर गई है। कोई अच्छी खबर आई है अखबार में? अरे खाक अच्छी खबर आई है तो फिर इससे ज्यादा बुरी खबर तो जीवन में शायद सुनी भी ना जाए। बताओ। तू अकेला बेटा है मेरा और मैं ये चाहता हूँ कि जीवन भर तू खुश रहे, बढ़िया रहे और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर। सही बात है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी में कोई परेशानी ऐसी बन के आए। एक बात बताओ पिताजी, तुम्हारे राज में मैं लूंगा तो किन के राज में लूंगा मैं? नहीं बेटा बात अब इस समय राज की और उसकी नहीं है। परेशानी तो तुम मेरे को परेशानी बताओ। परेशानी ये है कि मैं अभी अखबार में खबर पढ़ के आ रहा हूँ कि एक पति ने मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया। अच्छा। जैसे हम अपनी बहू को पढ़ा रहे हैं और जब वो पत्नी उसकी अफसर बन गई तो उसने अपने पति को छोड़ के कहीं और शादी कर ली। तो जाने कौन सी बड़ी बात है कोई एक है जे बताओ बाना करो। बेटा बात वो नहीं है। हाँ तो बताओ। बात मेहनत की और समाज की है। समाज हमें किस नजरों से देखता है उसको देख के चलने की है। अभी मान लो कल को मैं तेरा बुजुर्ग बाप और कल को तेरे लिए एक नई माँ लिया हूँ। सोचना अपने दिमाग में, देख तेरी माँ के मरने के बाद अगर चाहता तो मैं दूसरी शादी कर सकता था क्योंकि इतना बूढ़ा टेढ़ा आदमी नहीं था मैं। समझ सही बात है। अगर कल को मैं तेरी माँ ले आता
और कल को वो माँ तुझे परेशान करती और उस माँ के साथ मैं पूरी जमीन लेके और अलग शिफ्ट हो जाता और तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देता, तो तेरी जिंदगी में बसता क्या? जो बात सही कह रहे हो, बात कायदे की है, बात सही। तो देख अब मैं ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं हूँ, तू आज ही निकल, पैसे रख के मैं तुझे बता तो रहा हूँ, आज ही जा शहर, सीधे कॉलेज जाइयो बहू के, वहां से कॉलेज से उसका नाम कटवा के और सीधे उसको घर लेके आ, अब उसको हमें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, शाम को ले आऊंगा फिर मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल देरी नहीं करनी, ट्रेन है 2 बजे दोपहर को, उसी ट्रेन को पकड़ के तू निकल जा और रात को 8:30 बजे वाली ट्रेन से वापिस आ जा। चलो तो चलो, ठीक है ठीक है। पैसे हैं जेब में? पैसे तो ना है। चल मैं दूं तुझे। और भाई टोप सिंह, और सुक्का काल चल है? अरे बढ़िया है बेटे, बढ़िया। और तू ठीक है? काल मैं तो बढ़िया हूँ, मैं कहीं नहीं आ रहा, शहर जा रहा हूँ। शहर? हाँ। क्यों? अरे अपनी बहू को लेवाने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, वो पढ़ाई कर रही है? हाँ, वो आज की बात बताऊँ सुबह की। हाँ, पिताजी आए मेरे पास। अच्छा, मेरे को बता रहे का बता, एक आदमी ने, गरीब मजदूर था ठीक है, उसने अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के अच्छी उस पे पहुंचा दियो। अच्छा, पोस्ट पे? पोस्ट पे। फिर तो मैं अब वो करे पिताजी, और उसको उसके पति को छोड़ दिया। अच्छा, उस पति को छोड़ दिया, दूसरे को कर लिया उसने। अच्छा, तो पिताजी कहने लगे मुझसे, कह देख लल्ला ऐसी बात है, अब तेरी बीवी बाहर पड़ रही है। मैं सही बात है पिताजी, कहा तू एक काम कर, अपनी बीवी को बुला ला, कल को हमारे संग कोई ऐसा हादसा हुआ तो हम तो पूरे गाँव में बदनामी आ जाएगी हमारी। वैसे एक बात बताओ, हमारे पिताजी की कितनी इज्जत है पूरे गांव में? नहीं, पिताजी की इज्जत तो है, पर पढ़ने भी तो तुमने भेजी घर के बाहर? भेजी हमने, यही वो वाली बात सही है तुम्हारी, ठीक है, हमने भेजी अपनी मर्जी से, हम ही अपनी मर्जी से बुलाने ले जा रहे हैं। अब तुम यार वही वाली बातें कर रहे हो, मैं बताऊं तुम्हें क्या है, बात ये है कि तुमने एक इंसान को ऐसे देख लिया तो तुम क्या कि पूरे जगह एक मछली होती है गंदी और वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, है ना? अब वही वाली बात है, अब पढ़ने के लिए तो लड़की कितनी पढ़ रही है, डिग्री वो कर रही है। बताओ यार हमारे काम में क्या है, अपने यहीं खाएगी टाइम तो पिताजी को काम धंधे है ऊपर से मेरे खेत बाड़ी है, तो बाहर हम तो अपने यहीं खाते रह रही है, मनाई है नौकरी भोगरी। अच्छा, ये बात सुन ली है ना, तो सुबह से हमारे पिताजी है घबरा रहे हैं। तो पिताजी घबरा रहे हैं? हाँ। और तू भी घबरा रहे हैं? मैं भैया जब पिताजी के आगे में चल जाएगी जी, बताओ तू जा रहा है लेवाने? हैं, जा रहा हूँ लेवाने। इतना पैसा खर्च किया कम बगतो, उसे पढ़ तो लेन दो। ए है गई पढ़ाई? नहीं पढ़ाई, तुम नहीं पढ़ा कोई? पढ़ानो नहीं पढ़ा कोई? जब भाई एक बात बता, पिताजी कर तुम्हारी चाय घर में, पिताजी है करता धरता, वो ही मना कर रहे तो भाई मेरी कैसे चल जाएगी? खैर भैया देखो, हम तो इस बात को जानते हैं, देखो कहेगा है, अगर चार अगर तुमने अगर पैसे खर्च किए हैं तो ज्यादा नहीं। अबे तू क्या करता है घर में? अब जे के अब नौकर रख लेंगे पिताजी, तो तुम्हारे लिए, अगर तुझे इतना ही भरोसा नहीं है अपनी बहू पे तो तुम्हारे लिए खेतों को काम में कौन संभाले हो? अब भैया वो तो देख, एक ना एक इंसान को खेत में रहना पड़ेगा। अब शादी है नहीं, तो बताओ आदमी तो पढ़ाई करवाते ही रहो। तो कहने का मतलब जी है, जे पढ़ाई करवानी ना है तो तुझे लेके आनी है, जा ही रहूं लेवे, जा जाना ही है। कैसा इंसान है यार, बता पढ़ाई करे इतना पैसा जाता है और इसने पैसा जमा कर दिया और अब लेवा के ला रहा है। अरे वाह, एक बात बताओ। बताओ, तुमने मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, अचानक ही तो तुम ले कोई बात कही तो मैंने भी ये कहा चलो पिताजी बुला ला, उन्होंने कहा अपने एक काम कर ला, अब तेरी बहू ने बहुत दिन पढ़ाई कर ली अब तो बुला ला, ठीक है। पिताजी एक बात बताओ, घर वाली की मर्जी से तो पढ़ने गई थी ना मैं? वो वाली बात सही है, लेकिन अब जो बताओ हमारे आगे तो पता, हमारे घर में करता धरता कौन है? पिताजी को मैं कहना ना मानूंगा तो घर का हो तो अभी तो पीस रही है, अब तो बेकार जाएगी फिर। अब ऐसा एक काम कर पिताजी, अब तूने बहुत दिन पढ़ाई कर ली, अब आराम तो अपने गाँव में रहेंगे, नहीं खाइयो पियो मजे लियो, तैसे मैं पढ़ाई नहीं माने तो ठीक है ना, पिताजी हैं सुबह सुबह चाय पी जाते हैं होटल पे, माँ गए। अरे तुम तो सुन तो ले, अरे तुम मेरे ये तो बताओ कि मेरी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी होने देते अचानक ही, तो तुम ले तो वही तो बता रहा हूँ, पढ़ाई जा मारे बता रहा हूँ। तो पिताजी गए चाय होटल पर, उन्हें अखबार पढ़ो वो, तो माँ में एक खबर आई, पिताजी मेरे पास आगे कहने लगे लल्ला एक काम करते, बहू माँ ने पढ़ाई करवानी, तो वो मुझसे कहने लगे देखिए खबर है, बा में एक गरीब आदमी ठीक है, बा ने अपनी बीवी को कर करके मेहनत से
वो पढ़ाई करवाई बाकी बाकी नौकरी लगवा रही और भाई बहू ने गरीब आदमी के पेट पर लात मारते नौकरी। हाँ किस चीज़ की नौकरी लगी थी? कोई भी लगी सही, मेरे को पिताजी ने बताई नहीं ये वाली बात कहीं की लगी। अब जो बता हमारे घर में कल्लू तेहू तेहू को हम पढ़ा लिखा रहे हैं, तू भी अच्छी नौकरी पर पहुँची तू तो हम छोड़ देगी फिर, तो जहाँ हमारे पिताजी ने चाहते हमारा घर बिगड़े। एक बात बताओ तो कैसी कैसी बातों में कैसे ये अखबार पढ़ने की चीज किस बातों में आ गए हैं? अब ये बता हमारे पिताजी कछु कह रहे तो गलत कह रहे हैं हमारे पिताजी, हमारे फायदा के लिए तो कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ ये तुम्हारी पांचों उंगलियां एक सी हैं? नहीं है तो फिर बताओ पांचों पांचों जो कोई भी हो पांचों। अब सुन मेरी बात, तूने कह रही बेजब तू ऐसी ना, लेकिन हमारे घर में है तो पिताजी मुझे उनकी तो माननी पड़ेगी। अरे तुम क्यों सोच रहे हो ये बात, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम मेरे हैं तो मेरे ही रहेंगे। ऐ सोच सुन मेरी बात, अब तेरी पढ़ाई होगी ना, अब तो एक काम कर गांव में आ जा चुपचाप। नहीं तुम जिद मानोगी नहीं है, अपनी जिद ही कर रहे हो। बताओ ऐसा थोड़ी नहीं होता है, सही है उनकी जो कछु कह रहे हैं। दीदी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। हां मैम जी। राम 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 राम, कहाँ से लेके आया अपनी बहू को? कहाँ से कहा वो है? देखो एक अखबार की बातों में आ गए, मुझे पढ़ाई से लिखाई से सब बंद करवा दिया, इधर ले आएगा। अरे इसी वजह से तो तुम्हारे ससुर से मेरी झड़प हो गई थी। अच्छा और क्या? काहे के लिए? पढ़ते हुए आ रहे थे, मैं ये कह रहे कितना कलयुग आ गया, ये आ गया। अरे मेरी कलयुग क्या आ गया? अरे वो सही कह रहे, वो बड़े बूढ़े हैं हमारे काम के, ठीक है ना? ओ जाहिल चुप रहे, तू तो पढ़ा लिखा है नहीं। इन्हें समझा दो पांचों उंगलियां एक सी होती हैं, जो हर इंसान को ऐसे हर इंसान को। सुन मेरी बात जी, हमारे घर में कोई फैसला ना कर देंगे ठीक है ना? हमारे घर के मुखिया कौन है? पिताजी। तो हमारे घर में कागज लेंगे इनसे करिए। तू चुप रहे, अरे दांत मत फाड़ ठीक है ना? हंसी आती है मेरी बातों पे तुझे? कछु हंसी ना आ रही, सही कह रहा हूं मैं। क्यों उसका फ्यूचर क्यों खराब कर दिया? अरे तू तो चल अपने घर। फ्यूचर का होता है? फ्यूचर का मतलब यानी कि उसकी जिंदगी। अच्छा तेरी जिंदगी सही तो कहां से खराब दिख रही है तुम्हें? एक नंबर का बताओ है ना? ऐसा सुना मेरा गधा बदा मत कहो मेरे से। गधेड़ा पिताजी तो कह दी ना मैंने। हाँ तो पिताजी क्या कर लेंगे तेरे? घर पे आके ड्रामा कर देंगे मेरे घर पे। हाँ उनको मैं उनसे भी ज्यादा ड्रामा करूँ इतना ज्यादा? ऐसा सुना मेरा उनको एक ही लड़का है, सो भी मैं एक ही पैदा कर पाए वो। मैं आराम से रहता हूँ, मैं नो टेंशन। अच्छी बात है कि एक ही नमूना पैदा किया, तू जैसे दो चार और पैदा कर लेते ना तो ना जाने जैसी और तो कितनी जिंदगी। काम करो जीरो फालतू की बात करते ठीक है ना? अगर अपनी जिंदगी जा रहे तो इन जैसों की बातों में मत आ, मैं बता रही हूँ। सही बात है, तुम्हारा कहने का मतलब ये जो अखबार में बात ही वो तुम सच्ची करवा दो। अरे इनको कहने में मत आए, मेरे कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि अखबार में सारी ही बातें सच्ची आती हो, कुछ बात फेक भी निकली आती है। अच्छा और क्या? अरे वो पढ़ रही थी, अब एक बार इंसान को अगर ना हो ना तो तुम लोगों की बातें बना देती है। अब ये बताओ जागी आगी शादी, अब क्या करना? पढ़ाई पढ़ाई करवा के बहुत है, इतनी पढ़ाई कर ली। अच्छा जा कोई मन पूरा हो हमारी भी। चलो बहस मत करो दीदी, बहस मत करो, तुम जाओ कहीं पर। क्या हमारे घर में आग लगवाऊंगी? हाँ आग लगा, जाओ संभाल के रखियो। संभाल दीजिए गधेड़ा। तूने आप जी तो अच्छा लग रहा, तू उनको बता रही है अपने घर की बात। तो मैं और क्या करूँ, तुम मेरी पढ़ाई लिखाई अपने घर की बात कभी कही बतानी चाहिए ठीक है ना? अरे पिताजी 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 नमस्ते। राम राम पिताजी। खुश रहो। हाँ आ गई और जाको नाम कटवाया हो, स्कूल में थे एडमिशन है बढ़िया किया। तू सामान अंदर रख। अच्छा और पामरा लेके सीधे खेत पर पहुँच। ठीक है ठीक है। बेड कटनी है हरिया के खेत में से अपने में। अच्छा अच्छा ठीक है। पिताजी कैसे मेरी पढ़ाई छुड़वा दी बीच में? क्या जरूरत है बेटा पढ़ देगी? पहले तो मैं मना कर रही थी, आप ही ने भेजा था मुझको पढ़ना के नहीं बेटा नहीं, पढ़ ले। वो बात सही थी, हमने भेजा था, हम कब मना कर रहे थे, हमने नहीं भेजा था, लेकिन अब हमें नहीं पढ़ा। पर इसकी वजह भी तो है कोई? कोई वजह नहीं है। तो फिर बेफिजूल में भी मतलब मैं पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी, अभी फीस भरी है? नहीं तो फीस तो हमने भरी है ना। हाँ तो पूरी तो फिर हमें अपने पैसे का अफसोस नहीं है तो तुम्हें क्यों? हमें अपने पैसे का अफसोस नहीं है तो तुम्हें भी नहीं लेना चाहिए। और सुनो बेटा, जितने पढ़ना था उतना पढ़ चुकी, अब इस घर में रहो, इस घर को संभालो। तुम्हारा कर्तव्य ये है कि ये घर तुम्हारा है, इसको तुम्हें स्वर्ग बनाना है, हमें नहीं पढ़ाना लिखाना। तो पिताजी ये ऐसा थोड़ी नहीं होता है, मतलब किसी ने मुझे पता चल गया कि आपने क्या बोला है उनसे? नहीं नहीं मैंने बोला किसी से कुछ है ही नहीं, जो मेरे मन में चीजें थी वो मैंने साफ कर दी और मैं अब एकदम वो हूँ। क्योंकि बेटा ऐसा है, आजकल के संस्कार और आजकल के समाज को देखते हुए मुझे कुछ विचार बदलने पड़े। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ अनहोनी हो सकती है, इसलिए मैंने अनहोनी होने से पहले ही उस घटना को वहीं की वहीं खत्म कर दिया।
तो पिताजी ये बताओ, किसी की वजह से मतलब आप हम पे इतना वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? हम थोड़ी ना कर देंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे गलत थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो तू खुद कह रही है। मैंने तुझसे गलत नहीं कहा, मैंने तुझे कुछ गलत भी नहीं बताया, कुछ गलत तुझसे कहने की कोशिश नहीं की, ना ही तुझे गलत समझ रहा हूँ मैं। बेटा देख, तू भी समझदार है और मैं भी समझदार हूँ। देख, मैंने भी दुनिया देखी और दुनिया तू भी देख रही है, क्योंकि तू पढ़ी लिखी है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं हाँ ये है कि अपने अपनी उम्र के लिहाजे से थोड़ा इतना बहुत समझदार हूँ कि मुझे मालूम पड़ जाता है कि मेरे लिए दुनिया में क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। देख बेटा, मैंने अभी परसों खबर पढ़ी थी, कल मैंने खबर पढ़ी कि एक पति ने, मजदूर आदमी था बेचारा, मेहनत मजदूरी करके पता नहीं कैसे कैसे उसने क्या क्या किया, उसने क्या नहीं किया, वो उसकी परेशानी वो जाने। उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया जैसे हम तुझे पढ़ा रहे, और जब पत्नी अफसर बन गई तो उसी पति के लात मार के उसको छोड़कर चली गई। तो बता, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं उसी तरह हम ना चले जाए? ना ना पर... बेटा मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तू उसकी तरह चले जाए। तो फिर मैंने अपना समय संभाला है। देखो, कल को मेरे साथ कोई अनहोनी हो, कल को ये घटना घटित हो, कल को मेरे साथ भी ये हो, तो मेरी तो समाज में इतनी इज्जत है कि मैं तो किसी के सामने नजरों उठाने लायक नहीं रहूंगा। समझदार है ना तू? देख, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई तेरी छूट चुकी है, इस घर को संभाल, तुझे जो भी चीज की जरूरत है हम ला कर देंगे। तू कहे और भैंस बनवा दूं दो और उनका कर, उन भैंसों का करेगी, इस घर का काम में लगी रहेगी, तेरा पढ़ाई से अपने आप ही मन हट जाएगा। अरे घर में कल को बच्चे होंगे, नाती पोते होने दो। अरे ये संसार किस, ये सब पढ़ाई लिखाई कोई कार्य की चीज नहीं है, बस अपने घर को संभालो और फिलहाल और इन चिंताओं को निकालो। बेटा पढ़ के करना क्या है? जैसी पिताजी आपकी आज्ञा। अब जितनी तुम पढ़ चुकी हो उतना बहुत है, अब ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो। ठीक है पिताजी। सही किया, क्योंकि कल को किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, और पहले से संभल के चलना हमेशा से जरूरी होना चाहिए। चलो, बहू घर में आ गई, घर संभालेगी, सब बढ़िया आएगा। ताऊ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। और बढ़िया? हाँ एकदम बढ़िया, तू बता। ये तोप सिंह की बहू को कहाँ ले जा रहे हो? अरे ये तोप सिंह की बहू है तो तोप सिंह के बाप है हम। है? हम ले जा रहे हैं, कहीं भी ले जा रहे हैं। लेकर जा रहा, खेत पर ले जा रहा था। क्या? अरे वो ऐसा है कि मट्टी ऊंची हो रही है, हाँ? तो मैंने सोचा उस मट्टी को कटवा के उस परातों से और दूसरे खेत में हमारी में भरते थे, कम सा है, थोड़ी नीची मट्टी है, तो उसमें मट्टी पड़वा दूं उसको। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ताऊ। क्यों है? तुम, अरे चलो, तुम नहीं पढ़ा रहे, तुमने पढ़ाई से बैठा रही थी, कोई बात नहीं, तुम मट्टी कटवाओगे? क्यों है? तू काटेगा? तुम मट्टी कटवाओगे? नहीं तो तू काटेगा, मैं मट्टी कटवाओगे? और क्या, मट्टी कटवाएंगे? अरे जब घर में हम खिला रहे पिला रहे और फिर काम करने से बेटा शरीर स्वस्थ रहता है। अरे चुप रहो, मट्टी कटवाओगे? अरे घर के भी तो काम काज है भाई, बर्तन भाड़े चौका चूल्हे सब है। तू हमें मत समझा, घर के काम वो करके आ चुकी है, घर के काम खत्म हो गए, अब ये दिन भर इसका काम में मन नहीं लगेगा, मन क्या बोलोगा, पढ़ाई के बारे में सोचेगी। इस चक्कर में मैंने सोचा खेत का काम भी है, वो भी निपट जाएगा, और क्या कहते हैं अपने हाथ पे रुकी नहीं सही। बात मन की नहीं है ताऊ, बात मन की नहीं है, बात जी है कि बैठी हुई अच्छी नहीं लगेगी तुम्हें, बात जी है ना, बंद कर दो। चलो तुमने बहुत लौड़ा मतलब बावल्ला बना ही रखा है अपना, है ना तोप सिंह, और इसको भी तुम पागल कर दो। तू ऐसा बकवास बंद कर है? और ज्यादा दिमाग मत लगा अपना, दिमाग क्योंकि ये मेरे घर का मैटर है, तू कौन होता है बोलने वाला? अरे मैं इस पे मट्टी कटवाऊं, गोबर थपवाऊं, कुछ भी करवाऊं, भैंस क्यार का न्यार का कुछ भी करवाऊं, तुझे मतलब क्या है? चपरा क्या है तुमने यार, पूरा जायका खराब कर दिया। बताओ, हम तो ये सोच रहे हमारे गाँव में तो कोई पढ़ने गया है भाई बाहर, और पढ़ लिख के कोई बड़ा अफसर बनेगा। यही रहने, यही रहने, अफसरों की हालत मैंने देखी है कि औरतें अफसर बनने के बाद अपने आदमियों के साथ करती क्या है। तो हर कोई, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैंने कब कहा कि हर कोई एक इंसान एक जैसे होता है? हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन बेटा आज के समाज के सहारे हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार लोगों के दिमाग के इतने बदल चुके हैं कि उनको ये नहीं पता कि हम सही करने जा रहे हैं या गलत। चल बेटा, तुम बढ़लाए गए, अकल नहीं आई, नहीं आई। बताओ, बहू को संग ले जाके मट्टी कटवा रहे जी। राम राम ताऊ जी। राम राम, राम राम। नमस्ते। कहाँ जा रहे हैं दोनों, ससुर और बहू? कहीं नहीं बेटा, वो ऐसा था, बिट्टू भेज दिया मैंने नोहरे वाले खेत पे। अच्छा। मैंने तू मट्टी काट लिया, झरिया के खेत में से पानी लगना था अपने में। अच्छा। और ये अपने उल्ले वाली जो दोनों खेत है ना, इसकी एक की मट्टी ऊंची हो गई है, तो मैंने इसकी मट्टी निकलवा के और नीचे वाले खेत में पड़वा दूं, तो वो बराबर के हो जाएंगे दोनों। ओह
ये तो सही है, चलो तो ये मट्टी जा रही है, ये मट्टी डालती रही थी, मैं खोद खोद के इसमें परात में करता रहूंगा। तो इसे क्यों ले जा रहे थे, ये तो बेचारी घर में अपना काम काज कर, इसे क्यों ले जा रहे थे बेटा जी, घर पे क्या करेगी ना, घर पे तो देखो करने के लिए तो लेडीज के बहुत काम होते हैं। अरे बिल्कुल काम नहीं है, घर के काम हो गए, झाड़ू पोंछा बर्तन, घर का खाना पीना बना दिया, बिट्टू की रोटी पहुंची गई, मैं रोटी खाया ये इसने खा ली। अरे चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा रहे वो तुम्हारी दिली इच्छा है। हाँ वो तो है, पर कम से कम ये मट्टी वट्टी ये बाहर का तो काम मत करवाओ, घर के काम ही करवा लो। इसमें देखो बेटा सुन, घर पे रहेगी दिमाग में शिकायतें बढ़ेंगी, शिकायतें बढ़ेंगी टेंशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी इसके दिमाग में नई नई चीजें आएंगी, तो इस चक्कर में मैं इसको काम में लगाए रखना चाहता हूँ। देख काम में लगी रहेगी तो इसका दिमाग भी सही काम करेगा, शाम को इसे भूख भी लगेगी अच्छी खासी, अरे थोड़ा शरीर से काम करेगी तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, फालतू में शरीर भारी हो जाए, कल को कोई नुकसान हो जाए, कल को कोई बीमारी बन जाए, क्योंकि भारी शरीर वालों को हजार बीमारियां बनती हैं, कभी थायराइड मैंने सुना है, बहुतों को शुगर हो जाती है, तो इसी चक्कर में मैं सोच रहा हूँ ये काम करती रहेगी तो ये बढ़िया रहेगी। हाँ वो तो है ही, मेरे किसी सोच में पड़ गई, नहीं नहीं मैं सोच में नहीं पड़ी, अपनी तरफ देखते हैं। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा चलो ठीक है तुम्हारी इच्छा बात है। ताऊ जी क्या कह रहे थे तुम, कि मोटे आदमियों के बारे में क्या कह रहे थे, कि उसे थायराइड। हाँ बेटा हजार बीमारियां बनती है खाने की वजह से, और पतले आदमियों को सूखा की बीमारी लग गई तो नहीं नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तुम डॉक्टर हो? नहीं डॉक्टर तो कोई भी नहीं है, पर बेटा फिर भी खाने पे संक्षेप में देखो, शरीर से काम तुम लोगे तो शरीर तुमसे काम लेगा। अरे शरीर का संग तुम दोगे, ऐसे ही ऐसे हैं थोड़े, नहीं तेरे रख के मैंने तेरे ऊपर थोड़ी गाया बेटा, तू तो वैसे भी पहले से ही हष्ट पुष्ट है, मैंने ये बात थोड़ी है, बस मेरा कहना ये है कि शरीर से थोड़ा काम ले लेना चाहिए, हर समय इधर उधर की बातें करना, लोगों के घर ताकते घूमना अच्छा थोड़ी होता है, अपने घर पे रहो, अपने पति के यहाँ रहो, बहुत अच्छा लगता है जब अपने घर का इंसान होता है तो। सही कह रहे हो, दूसरों के अरमानों का गला घोटना, दूसरों की इच्छा को मारना, इच्छा अपनी बहू को वहां से बुला के यहाँ घर में रख लेना। नहीं मैंने अच्छा किया है, मैंने इस संसार के साथ में नहीं चल रहा हूँ तो मैंने बढ़िया किया है, अब ये बच्ची यहाँ रहेगी पढ़ेगी लिखेगी, इसके दिमाग में से पढ़ाई लिखाई का ख्याल निकल जाएगा, अपने यहाँ खाएगी बनाएगी, और मैंने नई चीज और सोच ली है इसके लिए, दो भैंसे और ला रहा हूँ कल परसों में, उन भैंसों में लगी रहेगी, इसका काम बढ़िया है। चल बेटा मट्टी बहुत है वैसे भी शाम हो जाएगी, गली काटते काटते है ना, चल ठीक है। ताऊ राम राम। और बेटा घनश्याम बढ़िया है तू? अरे ताऊ मैं तो बढ़िया हूँ, ताऊ एक बात बताओ, तोप सिंह की बहू कहाँ आ रही है? तोप सिंह की बहू? हाँ। तोप सिंह से, तोप सिंह की शादी होने से पहले ये हमारे घर की लक्ष्मी है। अरे वो तो मैं जानता हूँ, मुझे ये बताओ ये परात और ये शोभा नहीं देता, देखो घर की बहू है। बकवास बंद कर अपनी, और तू मत सिखा क्या शोभा देता है क्या नहीं देता। बेटा ये घर पे अब इसके काम खत्म हो गए, मैंने सोचा अब ये घर पे क्या करेगी, इससे बढ़िया कि मेरे साथ मट्टी करवाएगी तो दूसरे खेत में मट्टी पड़ जाएगी, काट काट के मैं दे दूंगा, परात से ये डाल लेगी मिट्टी। हाँ बताऊ मैंने तो ये भी सुना, तो सुना था क्या मेरे सामने आपने ये पढ़ने भेजी थी? हाँ तो पढ़ने भेजी थी, पढ़ाई छोड़ के अब ये काम पे आ गई। और क्या बुला ली मैंने, भाई मेरे घर के फैसले मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, बुला ली मैंने, मुझे नहीं अच्छा लग रहा इसका पढ़ना। ताऊ मतलब तुम्हारे उससे थोड़ी नहीं, उनसे पूछ लिया होता बीच में पढ़ाई। तू कौन होती है और तू कौन होता है, यहाँ फसाद में आग लगाने आया है, फालतू में चिंगारी फूंक रहा है। ताऊ बच्चा हूँ तो बच्चा तुमसे बताओ, अपने मन की बात नहीं कर सकता ये बताओ। मन की बात इस तरीके से की जाती है कि मन की बात अच्छी लगे, तुम्हारी तरह नहीं की जाती, तुम तो भड़काने वाली बात कर रहा है। अच्छा उसके मन की नहीं पूछी गई, इसके मन की नहीं पूछी, ये हमसे हम इससे पूछेंगे तो घर की बहू है या हमारी अम्मा है? एक बात बताओ, तुमने इतना सारा पैसा बर्बाद करा और उसका कोई फायदा ना हुआ? कोई बात नहीं है, पैसा मेरा बर्बाद हुआ ना, मुझे कोई अफसोस नहीं है, तो तुम लोग क्यों मना रहे हो? अरे हमें तो गर्व था, हमारे गांव से जाके भैया कोई एक छह छापरी बहू दिए, कोई पढ़ लिख के नाम होता हमारे गाँव का, बतेरा नाम है हमारे गाँव का, बतेरी इज्जत है हमारी, बस इसको यहीं तक रहने दो, और ये नहीं पढ़ पाई तो क्या है, इसके बच्चों को पढ़ाएंगे हम। अरे ताऊ तुम्हारा दिमाग पता ना ताऊ, बुढ़ापे में भी चल सब समझाने आ जाते हैं। पिताजी मेरी ऐसी लग रही है तबीयत कुछ खराब होने वाली है। तबीयत खराब होने वाली है? बहुत सर में दर्द और फीवर भी आ रहा है, यानी बुखार आता जा रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ, चुपचाप काम करो, और 20-25 खेत की मट्टी रह गई है, 20-25 परात हो रहे हैं, इनको डाल के सुई चल रहे हैं। 20-25 डाल, रख परात रख नीचे।
पिताजी मैं घर जाती हूँ ना, मेरी देखो बहुत दर्द हो रहा है पेट में और सर में, बहुत तेज तबीयत खराब होने वाली है, मुझे लगता है कि रात को कहीं ज्यादा ही नहीं हो जाए। बकवास बंद कर, जितना कह रहा हूँ उतना काम किया कर, बहू है बहू की तरह रहे। 20-25 परात की मट्टी है इसे ढलवा दे, फिर पूरे दिन पूरी रात आराम ही करियो, सोना ही है तुझे घर जाके। गर्मी भी तो देखना कितनी पड़ रही है, तो गर्मी पड़ेगी खेत में, और कहीं खेत में तो तेरे लिए एसी पंखे कूलर लगवाऊं। तो ठीक है, मैंने पानी तो पिया हूं, जाके प्यास लगी है। हां पानी पीने के लिए इधर जाएगी, मैं जा ट्यूबवेल में आधी में पिए जा। तो वो तो गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी। हाँ। अरे काय का गंदा पानी है, उसमें कोई जानवर मुंह मार रहा है? अरे हौदी भरते हैं हम, खेत के लिए भरते हैं, जो पानी बचता है वो उसको ढक के रख जाते हैं, उसमें क्या गंदा हो गया? क्या पिताजी मैंने खुद देखा वो गंदा था पानी। हमें मत्स्य का गंदा और साफ पानी, हमें सब मालूम है, उसी में से पीते आए हैं और उसी पानी से बड़े हुए हैं हम इतने। हमें मत्स्य का कौन सा पानी गंदा है, उसी में से पिया जाए। और जल्दी आइयो, ठीक है, बहुत काम पड़ा है अभी, हर एक को बस बिना काम की चाहिए, जल्दी आ जा। भाभी कहाँ जा रही हो, कैसे भागती हुई, क्या बात है, तुम तो मट्टी डाल रही हो अपने ससुर के साथ। भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ना बुखार आ रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है। धूप तो पड़ रही है। अच्छा तो अब तुम भागती हो क्यों जा रही हो, आराम आराम से जाओ, बात कोई बात हो गई क्या? अरे वो मैं पिताजी को बता के नहीं आई हूँ, वो आने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं धूप के आए भाग के जा रही हूँ। और भाई जय मारे, तुम मतलब तुम भागती हुई आ रही हो, अब जाने नहीं दे रहे हैं ना, अब ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ घर पहुंच जाऊँ उससे पहले। चलो 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 ठीक है, जाओ 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 जाओ। अरे क्या हो गया दीदी, ऐसे भागी भागी क्यों जा रही हो? नमस्ते। अरे वो मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ना बुखार सा आ गया और चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है। बुखार तो है सचमुच में बुखार है। तो मैं पिताजी से बोल रही थी, पिताजी मुझे जाने दो, वो जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए दुबक के भाग के आई हूँ वहाँ से। अच्छा? तो वो पीछे पीछे आ रहे होंगे दीदी। बड़ा खराब बुड्ढा, तू जा मैं देख लूंगी, जा 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 संभाल लेना, जा जल्दी जा। ए बुड़ला सोनिया, तूने हमारी बहू को देखा? हाँ देखा। कहाँ देखा? निकलते हुए देखा, जा रही थी और बुखार में तप रही थी, ऐसे टीका टीक दोपहर में कोई ऐसे काम कराता है, वो भी अपनी बहू से। बहू से? अरे नॉर्मल बहू को भी तो ये सोचना चाहिए कि मैं खेत पे काम कर रहा था, मैंने जब ये कह दी कि मैंने 20-25 खेप मट्टी बची है, इसको पड़वा के हम घर ही चल रहे, तो मैं बेफालतू में वहां से 20-25 तसला मट्टी। अरे तुम कम से कम सोचो, वो इंसान है, वो कोई जानवर तो है नहीं। अरे तो जानवर नहीं है, खाती तो इंसानों की तरह है, खूब खाती है, और काम नहीं करेगी तो चलेगी कैसे? अरे तो ताऊ जी कम से कम तरस तो खाओ। अरे क्या तरस खाऊं, मुझे तो इस बात को सोच के गुस्सा आ रहा है, तो बिना बताए वहां से निकल आई, तू मुझे बता के आ सकती थी, बता के तो आने का पड़ जाएगा नहीं। अरे जब तुम उसे आने ही नहीं दे रहे होंगे, वो इसीलिए उस रहे दुबक के भागी आई वो। अब क्या कर लिया, अब घर पे जाके मैं क्या करूंगा उसे? क्या करोगे, मारोगे उसे? नहीं मैं नहीं मारूंगा बेटा, पर हाँ ऐसा जरूर कर दूंगा अपनी जुबान से ही कि आगे के लिए ध्यान रखेगी कि उसने क्या किया। अरे तुम कुछ ना कर पाओगे ताऊ जी, पागल हो जा रहे हो। बहू बहू पिताजी, माँ से तू खेत पे से आई कैसे पहले तो ये बता। पिताजी मुझे बुखार आ रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, बल्कि दर्द तो इतना हो रहा था, मैं क्या बताऊं, जब मैं उठ रही थी ना तो मेरी आंखों के नीचे जैसा अंधेरा सा हो गया था, इसलिए फिर अब तेरी आंखें साफ हो गई, अब अंधेरा हट गया, तो मुझे बुखार तो आ रहा है अभी। बुखार आ रहा है? अरे तो तू मुझे बता के भी आ सकती थी कि पिताजी घर पे जा रही हूँ मैं, ऐसे ऐसे कौन ढक के आता है? पिताजी मैंने आपको बोला था लेकिन आपने मजबूर करा ना, आप माँ से जाने ही नहीं दे। अरे तो मुझे बताती तो सही, पिताजी मेरी तबीयत खराब है, अभी मुझ पर काम नहीं हो रहा, मैं तो 20 मिनट और रुक जाता, 20-25 मिनट और रुक जाता, तुझे वहीं पे खटिया पे आराम करा के मैं नींबू पानी का गिलास देता। ये कौन सा तरीका है कि तुम मुंह उठाए और चल दिए माँ से? हमारी कोई समाज में इज्जत कोई मर्यादा है या नहीं? अब तो पिताजी मैंने बताया होता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने बोला कि अभी 20-25 खेत और। मर तो नहीं रही थी तू, 2-4 मिनट अगर तबीयत खराब हो जाती तो मर थोड़ी जाती। अरे तू मार रुकती, तुझे मैं नींबू पानी ला के देता, तेरी कोई दवाई की कोई परेशानी की बात थी तो मैं ला के देता। ऐसी ये कौन सा तरीका है कि मुंह उठाए और घर के लिए चल दिए? तो मैं घर पे तो आई हूँ, कहीं और तो नहीं गई? चुप चुपचाप चल, और वहां पर थोड़ी सी मट्टी और पड़ी उसे पड़वा के, और फिर उसके बाद घर आई। पिताजी अभी तबीयत तो मेरी, मैं जो कह रहा हूँ खाली उतनी बात सुन, ठीक है ना?
चले जल्दी जल्दी के पैरों में भी अब तेरे जंग लग गई है। ना लगी। तू फिर आ गई? अरे मैं फिर क्यों आऊंगी, मैं तो रास्ते से जा रही थी। तुझे घूमने फिरने के अलावा कोई काम है क्या? नहीं अरे मैं यही जा रही थी, थोड़ा गीतों में जा रही थी। तो फिर जा अपने गीतों में। अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो तुम? खेत पे जा रही है। खेत पे? और क्या, बुखार उतर गया? काहे को, कोई जरूरत है बुखार उतरने की? और बुखार चढ़ाई कब था? हष्ट पुष्ट आदमी को जवानी में तो तमाम दुनिया भर के काम करता है। अगर ऐसे जान जवान आदमी को अगर बुखार आने लग गए तो फिर चल गई जिंदगी। हमें तो आता नहीं है कभी बुखार। मुझ पे ना देखे जाते भाई ऐसे जुलुम। कैसे जुलुम? ऐसे जुलुम मुझ पे नहीं देखे। ऐसा है बेटा, देख सुन, हमें मत सिखा कि हम जुल्म कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मुझे जो ठीक लगेगा वो करूंगा। तू क्या सुन रही है? खेत की तरफ चल। अरे तुम अपने लिए ना लड़ोगी तो किसके लिए लड़ोगी? अरे हमें मत सिखाया लड़ना, चल आगे चल। अरे मेरी बात सुनो, अपने हक के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। हमें मत समझा, हमें मत सिखा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुन, ये मेरा घर का आपसी मामला है और जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। मैंने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी, अब अगर इसने पढ़ाई छोड़ दिया तो इसको घर के सारे काम करने पड़ेंगे और हमारे खेत खलियान के लिए। सुनो, मानती हूँ तुम्हारे घर का मामला है, लेकिन ये एक औरत का मामला, एक औरत का मामला हर एक औरत का मामला होता है। औरत के मामले उसके घर तक होते हैं। अगर तुझे ज्यादा ही औरत बनने का शौक है और ज्यादा ही मामलों को सुलझाने का शौक है तो अपनी ससुराल में जा, अपनी ससुराल में जाके सुन लिया, माँ अच्छी लगेगी। यहाँ अच्छी नहीं लग रही, तू बहुत अच्छे काम कर रही है ना, यहाँ रह रही है बहुत बढ़िया लगती है। चौथे दिन चार पांच हर दूसरे तीसरे दिन तू यहाँ टपक जाती है। आदमी का बेफालतू में नाम लगा देती कि मेरा भार आदमी काम करता है, नौकरी करता है, जॉब करता है। अरे जॉब करता है तो सास ससुर को संभाल, ये नहीं संभालती। मेरी बात मानो, तुम चली जा रहे यहाँ से, वरना ये तुम्हें जीने नहीं देंगे। मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। अरे कई चक्कर आ रहे हैं, नींबू पानी पियो। एक काम करो, घर चलो मेरे साथ। देख सोनिया बच्ची है, बच्ची की तरह रहे। तू चल रहा, तू क्या सुनती है, बार बार जा। चलो तू अपना काम देख, आ जाते हैं सब समझाने यहाँ हमें। ए बुढ़ला, और रुक जा। एक तो तू जरूरत से बहन जी, काहे को तुम मेरे स्थान पर जाता बेर बेर। एक तो तू जरूरत से ज्यादा लंबा है। अच्छा, इतनी जरूरत है उससे ज्यादा ही लंबा है। ये तो सुनो मेरी बात, पिताजी तो थोड़े गट्टे हैं लेकिन बच्चा तो औलाद तो एक लंबी है। उन्हीं की औलाद है? ओ ए, और ना तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ना ना ना, मेरे कहने का मतलब कुछ ना है, मतलब सब होता है मुझे कभी कभी। अच्छा, सब होता है। बीमार है, बुखार है, उसे टीका ठीक दोपहरी में तप रही है मेरी बीबी को। और क्या, और तेरा बाप उसे ऐसे ले गया लदेड़ा हुआ मारते हुए। हाँ, क्या मट्टी खुदवाएगी वहाँ से? वही तो मैं कह रहा था, मट्टी फेंकवा रहे हैं, खुदवा रहे हैं, ठीक है, कचू करवा रहे हैं, करवा हमारे पिताजी रहे हैं। और फिर कई दूसरे के यहाँ तो ना करवाने जा रहे, कर तो अपने ही ले रहा। वो तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे है तो वो तेरी, वो क्या नाम है तेरा, है तो वो तेरी बीवी। अच्छा है? बीवी है? अरे उसको तो पति होने का नाते तुझे तरस नहीं आ रहा उसमें? जो बता, मेरी बीवी है तो वो जगह किन की है? वो भी तो मेरी बीवी की है जगह। और का बीवी है तो जगह है, पैसे काम करने के लिए वो नौकरानी है। ऐसा सुना भैया, जब पढ़ाई करती जब तो ये माँ अपने आगे। अरे पढ़ाई तुम लोगों ने छुड़वा दी। अरे भाई बात है, मैं तू पक्का गधेड़ा है। तुम तो फालतू हो, ठीक है ना, दिमाग में मारे हो। अरे फालतू तो तू है जो तेरी अम्मा करके चली गई, गधेड़ा। भाभी, अरे दीदी तुम कैसे, ताला लग रहा है नीचे तो। अरे मैं बताऊं, तुम्हारे गेट से तो इतना मोटा ताला लटका हुआ है, मैं छत छत होके आई हूँ। तो चाची की छत और आपकी छत और ताई की छत एक भिड़ी हुई है, तो उनके घर पे गई, फिर उनके घर पे गई, तब आई हूँ मैं। दीदी मुझे भी ना तुमसे कोई बात करनी थी, लेकिन पिताजी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे बात करनी थी, इसीलिए आई हूँ। और जब तक तुम तो मैं बिंदी छूट रही है भाभी, वो क्या जब तक तुम्हारा ससुर रहेगा ना, कब कोई बात ना कर पाएगा। तुम ये बताओ तुम चाहती क्या हो? दीदी मैं ना पढ़ना चाहती हूँ अभी, इस वजह से मैं तुम्हें इसी बारे में बात करना चाह रही थी। मैं ये जानती थी कि तुम पढ़ना चाहती हो, आगे अपनी लाइफ सेटल करना चाहती हो, है ना, मैं समझ रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम पढ़ो, तुम घर में ही पढ़ो। घर में मैं कैसे पढ़ो? बताऊंगी ना, किताब मैं ला के दूंगी तुम्हें, सारी बुक्स वगैरह मैं ला के दूंगी। ए टेंशन मत लो, तुम पैसे मत देना, मैं दे दूंगी तुम। देखो मेरी बात, मैं तुम्हें एक फोन ला के दूंगी, ठीक है, तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा वहाँ पे, और तुम्हारी फीस भी मैं जमा करूंगा, ऑनलाइन तुम्हारी क्लासेस घर में ही चलती रहेगी, लेकिन रात को करना तुम, रात को, दिन में नहीं। या फिर अपने कमरे में कुंडी लगा के, ये कानों कान किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हारे पास फोन है।
ठीक है दीदी, ठीक है ना, चाह रही थी बस मैं। तेरा आदमी अनपढ़ है, अनपढ़ तो तेरा ससुर भी है, पर वो बहुत तेज है। तेरे पति से खतरा नहीं है जितना तेरे ससुर से खतरा है। ये बात तो नहीं सही कह रही तू, एक बार को अपने आदमी को तो बेवकूफ भी बना देगी, वो तो गधेड़ा है एक नंबर का, है क्या नहीं। और पर ये है कि तू उससे बच के रही हो, जैसे वो दिखे तो बंद कर दी हो एकदम पढ़ना। अरे ना दी, उसकी टेंशन मत लो, वो जैसे आने की दिखेगी सो मैं उनसे पहले बंद करके रख दूंगी सारी किताबें। हाँ वो ही तो बाबू मैं कहना चाह रही हूँ, बस ये है कि बस तू अपना फ्यूचर बना ले बस। देख मैं भी चाहती हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास अपार पैसा है। अरे तुम जैसों के ठिकाने लगा दूंगी तो मुझे लाखों लोगों की दुआएं मिलेंगी, ठीक है ना। अब एक काम करती हूँ, मैं चलती हूँ, ठीक है। अब मैं कल इसी टाइम मिलूंगी तुझे, छत पर ही मिलना, ठीक है, 1 बजे, ठीक है। हाँ ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखियो, नमस्ते, बाद में लगी। चलो दीदी ने ये काम सही करा, कम से कम घर पे रहते हुए मैं पढ़ तो सकूंगी, वो भी किसकी खातिर, दीदी की खातिर। ये काम ठीक किया दीदी ने। रागनी, ए रागनी, पकड़ दीदी, ये फोन है तेरा और इसमें किताबें सारी डॉट वॉट सब इसी में ही है। अच्छा ठीक है ना, ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना और पता ना लग जाए किसी को। ठीक है दीदी, ठीक है, अब चलती हूँ। अरे जे का है आत्म तेरे? अरे तुम? हाँ। अरे कुछ नहीं, ये गेम खेलने का वो है बस। गेम खेलने को आये? हाँ। अरे इसे गेम खेला जाता है। अच्छा गेम खेला जाता है, जाता हाँ। है आप कहाँ थे? ये मेरी मम्मी ने दिया था। मम्मी ने? हाँ। ये मैंने तो कभी देखो ना आया। अरे ये मैंने आज ही तो निकाला है, ये जब से मैंने अलमारी में रखा था। अच्छा अब वो पिताजी का जो काम की क्या गया ना, क्या गए पिताजी? वो गोबर हो डाल दियो। हाँ बस मैं भी डाल दूंगी, सारा काम कर लूंगी, बस 5 मिनट में अभी ये खत्म हो रहा है। में मत लगे दियो, गेम भेम में। अरे नहीं बस 5 मिनट में अभी खत्म हो रहा है। मेरे को ये बात बता, मैं ये समझ ना रही, ये तू अपने तेरी मम्मी ने दियो, लेकिन मेरे को ये ना बताओ कब दियो, कब तू मैं आज तक तेरे हाथ में ना देखो। आज मैं आया बहुत तुक्का से आया हूँ तो तू जाकर गेम में लगी रहते हैं जाकर मतलब। अरे ऐसा था, जब आपने मुझे पढ़ाई लिखाई पे भेज दिया था ना बाहर, तो ये मैं घर पे छोड़ गई थी। अब जब मेरे मन नहीं लगता तो फिर मैं गेम मैंने निकाल लिया। ये जाना गेम खेलो जाता है और क्या। छिया गेम एक काम करे, जा गेम भेम में मार गोली, अपना घर को काम धंधा देख ले, वो गोबर की कह के और शाम को है सानी पानी लगा दियो। हाँ बस 5 मिनट का और है, मैं आ रही हूँ सारा काम कर लूँ। ठीक है ठीक है। ये अच्छा इनको कुछ नहीं पता, नहीं तो अभी नेक भी इनको पता होती ना तो आज ये भी चला जाता मेरे हाथ से। रागनी, ओ रागनी, अरे भगवान है का ना घर में, क्या हुआ इतना क्यों? मैं जे कह रहा यार, हमारे डाकी आए हो। हाँ। तो चिट्ठी दे के हो जान पढ़ियो ना, का है हम मुंह पे तो पढ़ने पढ़ने आता ना। चिट्ठी? हाँ ये चिट्ठी है का, वो डाकी आता ना साइकिल पे, वो दे के गए हो तो ना पढ़ के ना मुंह बता दे का जा में। अरे ये तो ऐसी चिट्ठी है, पता नहीं किसी की। देख तो सही, खोल के तो देख के निकल जाए। खोल के क्यों, गांव में ऐसा किसी का पता नहीं है, मतलब ऐसे ही है, पता नहीं डाकिया वाले तक क्यों डर गया। तो डाके वाले ऐसी दे जाते हैं? हाँ उन्हें पता नहीं होगी तो इसलिए फेंक। हमारे काम को तो ना ये ना, हमारे काम का कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, फेंक देती हूँ उसमें। ठीक है, वो है अब तो काम बंद हो तो कर ही होगी। हाँ सब हो गया। ठीक है तो ठीक है, चलो अच्छा। अरे दीदी दीदी, अरे तुम? अरे हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते, देखो मेरे जॉइनिंग लेटर आया है। अच्छा, अरे वाह, ये तो तुम बैंक में मतलब मैनेजर बन गई तुम तो। हाँ दीदी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये टेस्ट दे। सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप मेरा खर्चा ना उठाती ना मेरी पढ़ाई लिखाई करवाती तो ये सब कहाँ हो पाता। अरे नाना मेरी वजह से काहे को, ये तो तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। और देखो जैसा तुमने, देखो तुम्हारी लगन यहाँ तक ले आई, कोई कितनी भी कोशिश कर लेता, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लेती कोई नहीं कर पाता, है का ना, उसी वजह से। पर दीदी ये आप ही की वजह से तो हुआ है, आप ना अरे भगवान हो, भगवान से भी ज्यादा हो। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं हूँ इंसान ही, है का नहीं। लेकिन दीदी मदद तो आप ही ने की थी ना, मैं जानती हूँ। कौन था मेरी मदद करने के लिए? मैं जानती हूँ, थोड़ी सी मदद कर दी मैंने, थोड़ी बहुत ज्यादा की है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि तुम इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गई मैनेजर की, और तुम्हें बैंक मैनेजर बना दिया।
दीदी ये अच्छी बात है, आपका आशीर्वाद है। अरे ना ना, मेरा आशीर्वाद नहीं, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, है कि नहीं? अब कम से कम अब तुम अपने ससुर को ये दिखाना, ठीक है? नहीं नहीं दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो एक काम कर, मैं जानती हूँ कि वो नहीं मानेंगे इस बात को, तुम अपने पति को लेके निकल जा। अच्छा हाँ जा, तो उनसे भी बात करनी पड़ेगी। तो बात कर किसी भी तरीके से, पटा ले उसे। ठीक, उनसे क्या बोलूँ वैसे? अब देख, तू उससे क्या बोलेगी ये मुझे नहीं पता, पर जो भी बोलना सोच समझ के कहना उसके, क्योंकि वो भी एक नंबर का गधेड़ा ही है। अब दीदी ऐसा मत बोलो, पति है। हाँ पति तो है, ये तो है, लेकिन गधेड़ा है, है कि नहीं? अच्छा अब जाओ तुम, अगर ऐसी बात हो, जैसे तुम आओ ना निकल के, तो मैं रास्ते में मिल जाऊंगी तुम्हें, ठीक है? जाओ, नमस्ते दीदी, और जाने की तैयारी कर लो। हाँ ठीक है, ठीक है? देर करी तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। नहीं अभी कर रही हूँ, बस अभी निकल लो यहाँ से, मैं तो कह रही हूँ। और वो क्या कहते हैं, लगी कहाँ पे है तुम्हारी, वो जॉब कहाँ पे लगी, पोस्टिंग कहाँ पे है, वैसे इसमें लिख रहा होगा, सब लिख रहा है। मैंने इतना पढ़, मैं तो खुशी के मारे तुम्हारे पास आ गई। अरे वाह, ये तो दिल्ली में लगी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में? हाँ दिल्ली में पोस्टिंग हुई है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है ये तो। तो उनको लेके दिल्ली जाना पड़ेगा। यहाँ से चली जाओ और दिल्ली रहना दोनों मियाँ बीबी खुशी खुशी, इस सड़े हुए गांव से निकल के। पर दीदी तुम तो आओगी ना मिलने? अरे पक्का आऊंगी, कैसी बात है, अपने पति को लेके आऊंगी, टेंशन मत ले। और क्या, फोन पे बात कर लिया? बिल्कुल करूंगी, ठीक है ना? ठीक है, मैं चलती हूं। ठीक है ठीक है, नमस्ते दीदी। ठीक है, कितनी अच्छी है, पति का देड़ा है। अरे पिताजी। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, तुम दोनों चल का दिए? कहीं नहीं आ रहे, हम जा रहे हैं का दिल्ली। दिल्ली? हाँ। क्यों? ये सो मेरी बहू की जो है का नौकरी लगी है दिल्ली में, बैंक में, तो हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली रह करेंगे अब हम। तेरी नौकरी लग गई? हाँ। सरकारी बैंक में। सरकारी बैंक में? कैसे, तूने पढ़ाई तो तूने छोड़ दी थी। हाँ। पढ़ाई कैसे की? पढ़ाई मैंने, हाँ वो पिताजी तुमने तो वहाँ से पढ़ाई मेरी छुड़वा दी, लेकिन मैंने घर पे रह के पढ़ाई की थी। घर पर रहकर पढ़ाई की? जी। मैंने चिट्ठी भी आई, चिट्ठी में लेके आया हूं, घर से दी है, ऑनलाइन पढ़ाई जो बोलते हैं उससे की है। बहुत अच्छा किया, मतलब कि मेरे घर का बारा बाट करवा कर ही माने गांव वाले। कोई बात नहीं, तू कहाँ जा रहा है? मैं संगी जा रहा हूँ। कोई कहीं नहीं जा रहा, चुपचाप ये यहाँ पे खेत में काम करेगी, कोई नौकरी भौकरी नहीं है, कोई नौकरी भौकरी नहीं होगी, और घर का काम संभालो। ऐसा सुनो पिताजी, हमें ना करनी कोई खेत वेत में काम अब, ठीक है ना? मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगा? ना अब मैं ना मानूंगा बिल्कुल भी बात, इतनी मेहनत से माने का पढ़ाई करके नौकरी लगाई है, अब जाए खेत में रहूंगा मट्टी भट्टी में। भाई वाह, जोरू का गुलाम, हाँ बन जाओ बन जाओ, यही देखना और बाकी था। अब लुगाई के पल्लू से बन जाओ, जब से हम कह रहे थे कि पढ़ाए मत, अब पढ़ा ली, अब इसके साथ जा, और बाद में एक बात ध्यान रखियो, चला जा, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे हाथ पैर में इतना बलबूता है कि मैं अपने आप करके खा सकता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कल को अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो इस घर की तरफ पैर करके भी मत सोना। ठीक है ठीक है। नहीं होगी पिताजी, ऐसे कैसे हो जाएगी? ऐसे कैसे हो जाएगी जब मैं संगने आ रहा हूँ? वैसे तूने किया तो बहुत अच्छा है, जब नौकरी लगी है तो मैं तो खुशी होनी चाहिए। अरे खुशी किस बात की, बैंक में नौकरी लगी है, बात बैंक में बेटा लगने की खुशी की बात नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ उन दीदी ने मेरी मदद करी है पढ़ाई में, नहीं तो आज मैं ये नौकरी ना पा पाती। किन, कौन सी दीदी? उन दीदी की वजह से नौकरी मिल पाई है जो मैं पढ़ाई कर पाई हूँ। सोनिया? हाँ मोटी सी जो दीदी है। बताओ तुमने तो पढ़ाई भी ना कर दी। मुझे मालूम थी कि इस घर का बारा बाट उसी के हाथों होना है, मतलब तू मानेगा नहीं अब? ऐसा पिताजी मैं नहीं मानूंगा, मैं जा रहा हूँ बीवी के संग, ठीक है ना? जा, पर एक बात ध्यान रखना, इस घर में से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हाँ तो कोई बात ना, हमें ना चाहिए। जाओ रास्ता ना देखो अपना। आओ सोनिया, अच्छा नहीं किया तुमने, मेरी बुढ़ापे की लाठी को तोड़ दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे मैं सुनाए बिना फिर भी नहीं मानूंगा। सोनिया, अरे आप मेरे घर पे मुझे ही बुला लिया, होता कोई काम था तो आओ अंदर बैठो। ना इस अपसगुनी घर में और तुझसे बात करने लायक मेरा कोई मन नहीं है। अपसगुनी घर? और क्या, जिस घर, जिस ऐसी औरत के जिस घर में चरण पड़ जाना, उस घर का बारे बाट होना लाजमी है। तूने मेरे घर में अच्छा नहीं किया, फूट डलवा के मेरे घर की बहू को पढ़ाया लिखाया,
और उसके बाद उसके पति के साथ उसको जोरू का गुलाम बना के और दिल्ली भेज दिया। मैंने सिर्फ पढ़ाया था, मैंने ये नहीं कहा कि तुम, और वैसे भी अच्छा ही किया, वो अपने पति के साथ चली गई, अपने हाथ पैरों पर खड़ी हो गई, नौकरी लग गई। तुम्हारे यहाँ बात कायदे की थी, तुझे मेरे घर के मैटर में पढ़ने की जरूरत क्या थी, जब मैं अपने घर का मैटर खुद संभाले बैठा था, सारी चीजें अपने हिसाब से चला रहा था, तो तुझे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या पड़ गई? ताऊ जी, अगर किसी औरत पे अन्याय हो रहा हो और दूसरी औरत देखे, मेरे तो आंखों पे नहीं देखा गया ये सारी चीजें। देखा रही है? मुझ पे नहीं देखा। क्या अन्याय हो रहा था? मतलब घर के काम नहीं करेगी बहू? तो काम ऐसे करेगी? तो तुम तो उसे टिकट एक दोपहर में मट्टी खुदवा रहे हो, वो भी खेत में, इतनी सोनी सी बहू। तुमने यही है ना कि हकीकत बात है कि कोई सोनिया की पहचान ही नहीं कर पाता। हमें मुझे सब पहचान थी, और सोनिया ये तुमने अच्छा नहीं किया। फिर क्या कर लोगे? इस गांव की बेटी है, मैं कुछ करूंगा क्या तेरा? तू इस गांव की बेटी है, तुझसे दिमाग मारूंगा तो मैं नरक में अपनी रास्ता थोड़ी बनाऊंगा। पर ये है कि तूने जो किया है ना, भगवान तुझे उसकी सजा जरूर देगा। देगा देगा। अच्छा चलो ठीक है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो मुझे सजा मिलेगी? चलो ठीक है, मुझे मिलेगी सजा, मिलने दो, वो ईश्वर जानता है कि मैंने क्या अपराध किया है और क्या नहीं। ठीक है, वक्त होने से पहले समझ जाओ तो ठीक है, वरना वक्त जो तुम्हें बदलेगा ना, वो सारा जमाना देखेगा। मुझे बदलने वाला इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे बदल सके। और फिलहाल ये सब बातें छोड़, क्योंकि मेरा बेटा तो जाना था तो वो तो चला गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सुखी तू भी नहीं रहेगी। ये ठीक है बुड्ढे की लो, इसमें डाल जाओ मेरी झोली में, मैं तो तुम्हारी बद्दुआओं को अपनी झोली में ऐसे करके ले रही हूँ, क्योंकि जब मैंने कोई गलत ही नहीं किया। अरे ताऊ, राम राम। राम राम। कहाँ फटे मर रहे हो? मेरा मतलब कहाँ कितना घूम रहे हो, तो दिखाई नहीं दे रहे तुम। बारह बाट हो गया मेरे घर का, मेरी घर की बहू को उस सोनिया ने भड़का भड़कू के, और मेरे पति, मेरे बेटे को उसका, उसकी पत्नी का गुलाम बना के और यहाँ से दिल्ली भेज दिया, और अच्छा नहीं किया। लेकिन सोनिया ने तुम्हारा घर आबाद कर दिया। काहे का आबाद कर दिया? मेरी तो बुढ़ापे की लाठी टूट गई ना। क्या टूट गई? अरे अब देखो, तुम्हारी बहू की नौकरी लग गई, तुम्हारी बहू काम करेगी, जॉब करेगी, अपने अगर कहीं नौकरी लग गई वहां पर बहुत पैसा आएगा। बहुत अच्छी, पैसा आएगा, हर चीज बेटा पैसा नहीं होती, कुछ इज्जत, कुछ समाज की बातें भी होती है। अब क्या होगा मालूम है? क्या होगा? वो औरत नौकरी करेगी, मेरा बेटा गुलाम बन के रहेगा, और उसके साथ गुलाम बन के रहेगा, और पूरे दिन वो घर में पड़े पड़े रोटियां तोड़ेगा, और बहू काम करके लाएगी। जब चार लोग उसको इस चीजों से देखेंगे तो यही कहेंगे वाह, तुम भी कहोगे वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। सुनो, ऐसी बात नहीं है ताऊ, ऐसा है हर घर की ये पांच उंगलियां नहीं, ये हाथों में पांच उंगलियां। क्या करेगा वो शहर में? अच्छा मुझे ये बता, मेरा बेटा क्या करेगा? अरे कुछ नहीं करेगा, तो कम से कम छोटी मोटी कोई दुकानदारी डलवा देगी बहू उसे, तो वहाँ कम से कम घर की रखवाली कम से कम बचा रहेगा। इस करोड़ों की संपत्ति को छोड़ के अब दुकानदारी करने की नौबत आएगी। तो यहाँ नौकर लगवा, या नौकर लगवा, नौकर लगवाओ, सब आ जाते हैं ज्ञान देने। तो मैंने बड़ा जुड़ा कर रखी थी, रखी थी, अत नहीं कर रखी, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी था, समाज में अपनी इज्जत जानता था, इसीलिए रोकने की कोशिश की। और देख, तू भी यही है और मैं भी यही हूँ। आने वाला समय वो होगा कि जब वो मेरे बेटे के हाथ मार के और अपना संसार अपना देखेगी, और मेरा बेटा दद्दर की ठोकरें खाएगा, और उसके बाद रोता पीटता बिलखता हुआ एक दिन मेरे पास। ये तुम्हारी सोच है ताऊ, सोच है तुम्हारी, कोई ऐसे नहीं होते, और जो होते होंगे वो होते होंगे, और तुम्हारी बहू ऐसी नहीं है, बहुत बढ़िया है, समझो।